नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे सैटरडे और संडे दो में से किसी एक दिन हम बात करते हैं मार्केट के ब्रॉडर व्यू के बारे में। डॉ जोन्स क्या कर रहा है, हमारा गोल्ड क्या कर रहा है, यूएस डॉलर और INR का फ्लक्चुएशन किस तरह से, बिटकॉइन क्या कर रहा है, तो इन सारी चीजों को हम बात करेंगे। कौन सा सेक्टर बुलिश है, किस सेक्टर में हमें गिरावट देखने मिल रहा है, इन सारी चीजों को बात करेंगे, क्योंकि यही ब्रॉडर व्यू जो है हमारा तय करता है कि आने वाले समय में मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी हमारा वो बेंचमार्क इंडेक्स है जिसे हम फॉलो करते हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ पर देखिए, निफ्टी जो है हमारा पिछले दिन हमने बताया था कि इस यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट रीजन है वो निकल के आता है यहाँ के आसपास। अगर हम इस सपोर्ट रीजन को ब्रेक करते इस सपोर्ट को, तो हम यहाँ पर गिरावट दिखा सकते थे और यहाँ पर गिरावट मतलब वीकनेस मार्केट में आ सकता था। लेकिन अभी देखिए, मार्केट स्ट्रांग रूप से बुलिश है और यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल काफी ज्यादा है, मतलब 30 डिग्री से ज्यादा है, तो हम स्ट्रांग रूप से यहाँ बुलिश हैं। तो जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को एक तरह से कहिए ब्रेक नहीं कर देते हैं या इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक हम इसमें एकदम स्ट्रांग रूप से बुलिश हैं, क्योंकि हम इस तरह से एकदम बुलिश चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट एक बार यहाँ पर साइडवेज होगा फिर जाकर गिरावट दिखा सकता है। तो पहले हम मार्केट को क्या करेंगे, साइडवेज होने का इंतजार करेंगे। मार्केट यहाँ पर इस तरह से हो सकता है साइडवेज हो, फिर या तो यहाँ पर गिरावट दिखाएगा या मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट वेट करेंगे कि मार्केट हमारा क्या करता है। तो अभी देखिए, यहाँ पर मार्केट जैसे साइडवेज हुआ और फिर इस साइडवेज के रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक किया, तो मार्केट एकदम स्ट्रांग रूप से बुलिश है। उसी तरह से मार्केट यहाँ पर काफी स्ट्रांग बुलिश है जब तक हम इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देते हैं या हम यहाँ पर एक साइडवेज होते हैं। साइडवेज होने के बाद हम रेंज को जिस साइड ब्रेक करेंगे, ऊपर की ओर ब्रेक करेंगे तो बुलिश होंगे, नीचे की ओर ब्रेक करते हैं तो हम बेयरिश हो जाएंगे। तो इसलिए हम अभी जस्ट वेट करेंगे कि हमारा मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जाता है। तो जिस डायरेक्शन में जाएगा मार्केट, हम उसी डायरेक्शन में वेट करेंगे। ये निफ्टी के बाद आता है हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसको हम निफ्टी जूनियर यहाँ पर इंडेक्स देख सकते हैं कि निफ्टी जूनियर के नाम से है। तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट जो अपना बना रखा है, अगर ये सपोर्ट को ये ब्रेक करता है यहाँ पर, तो फिर हम इसमें भी स्ट्रांग रूप से मतलब बेयरिश हो सकते हैं। तो जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें बुलिश रहेंगे। तो जब तक हम सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देते हैं तो सपोर्ट को ब्रेक करने का हम इंतजार करेंगे। जैसे सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर बेयरिश हो सकते हैं। तो ये सपोर्ट रीजन है, फिर ये हमारा रेसिस्टेंस रीजन है। तो अभी हम रेसिस्टेंस के पास से यहाँ पर पिछले दिन देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्शन मिला है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, मतलब जो हो गया स्ट्रांग रूप से। अभी हमारा इससे पहले निफ्टी को मैंने देखा, अब हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर रहे हैं। तो निफ्टी में थोड़ा गिरावट आया था जबकि इसमें स्ट्रांग रूप से करेक्शन हमें देखने मिला है। देख सकते हैं ये जो कैंडल है दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बनने वाला है। तो जब तक हम रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर लेते हैं तो फिर हम यहाँ पर हो सकते हैं साइडवेज रहे। साइडवेज रहने के बाद अगर हम नीचे के रेंज को ब्रेक करते हैं तो बेयरिश होंगे, अगर हम ऊपर के रेंज को ब्रेक करते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे, अगर नीचे के रेंज को ब्रेक करते हैं तो फिर हम बेयरिश हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा अभी मार्केट का सेंटिमेंट है। तो हमें मार्केट के सेंटिमेंट को समझना होगा और जैसे मार्केट का सेंटिमेंट जिस तरह से होता है हम उस तरह से चलेंगे। अगले निफ्टी नेक्स्ट 50 के बाद हमारा है सेंसेक्स। सेंसेक्स का भी वही हाल है जो कि निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 का है। सेंसेक्स में भी देखिए, यहाँ पर अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो स्ट्रांग रूप से हम बेयरिश हो सकते हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस का तो बात ही नहीं, क्योंकि सेंसेक्स जो है लगातार न्यू हाई बना रहा है। सिर्फ यहाँ पर जिस तरह से निफ्टी 50 रिजेक्शन दिखाया था उसी तरह से यहाँ से छोटा सा एक रिजेक्शन कैंडल, मतलब रेड कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों। तो अभी हम इसमें बेयरिश नहीं हो सकते, यहाँ पर साइडवेज हो सकते हैं, जैसा कि हमने निफ्टी 50 बात की, यहाँ पर साइडवेज हो सकते हैं। साइडवेज का बात जिस तरह आपके रेंज को ब्रेक करेंगे, ऊपर ब्रेक हम बुलिश होंगे, नीचे ब्रेक करते हैं तो हम बेयरिश होंगे। तो कुछ इस तरह का सेंटिमेंट है निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों का। अब देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 के बाद आता है हमारा सेंसेक्स के बाद बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग रूप से अभी बुलिश हुआ है और यहाँ पर देखिए ये स्ट्रांग ट्रेंड लाइन जो है काफी जबरदस्त बनाया है और ये ट्रेंड लाइन बुलिश ट्रेंड लाइन है। और अगर निफ्टी बैंक हमारा बुलिश रहता है और यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने मिलता है, अगर इस रेसिस्टेंस के ऊपर निकलता है, ये रेसिस्टेंस का रीजन है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो जबरदस्त रूप से यहाँ बुलिश होगा। तो इस रेसिस्टेंस को हम ब्रेक करने का इंतजार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर रेसिस्टेंस लाइन खींच के रखिए और इस रेसिस्टेंस को जैसे हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हम स्ट्रांग रूप से बुलिश होंगे, नहीं तो अगर यहाँ पर हम साइडवेज हो जाते हैं तो साइडवेज तब फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस और हम रेंज ब्रेक करते हैं। तो रेंज अगर ब्रेक करते हैं ऊपर की ओर बुलिश होंगे, नीचे ब्रेक करते हैं तो बेयरिश होंगे।
तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल निफ्टी 50, सेंसेक्स और यहाँ पर बैंक निफ्टी बनाया, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 काफी स्ट्रॉन्ग रूप से यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाया था, जो कि बहुत बड़ा वीकनेस का साइन है। तो जो हमारे टॉप के कंपनियां हैं वो अभी उतना बेरिश नहीं हुआ है जितना कि हम उसके नीचे के सभी कंपनियों को देख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप भी काफी ज्यादा यहाँ पर वीकनेस देखने मिला है। अब यहाँ देखिए निफ्टी मिड कैप, इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग रूप से हमें बेरिश कैंडल बनता हुआ देखने मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप। अब देखिए निफ्टी स्मॉल कैप, इसमें भी यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर मतलब गिरावट देखने मिला था, मतलब इसका भी कैंडल कुछ ज्यादा ही बड़ा है। फिर CNX MNC, इसमें भी काफी बड़ा बेयरिश कैंडल है, तो स्मॉल कैप में भी गिरावट है। निफ्टी आईटी काफी जबरदस्त रूप से बुलिश खुला था, लेकिन उसके बाद हाइयर लेवल से काफी बड़ा रिजेक्शन मिला है। तो निफ्टी आईटी कैसा करता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर के स्टॉक का भी कंट्रीब्यूशन जो काफी जबरदस्त है निफ्टी 50 में, मतलब पूरे मार्केट को चलाने में। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो कंजम्पशन सेक्टर है उसमें भी गिरावट है, एफएमसी सेक्टर इसमें भी जबरदस्त गिरावट, कैपिटल गुड्स इसमें भी गिरावट, सर्विस सेक्टर इसमें थोड़ा सा रिजेक्शन, फार्मा सेक्टर भी काफी बेरिश है ये, और ये पहले से बेरिश है क्योंकि फार्मा सेक्टर देखते हैं साइडवेज चल रहा है, ये बुलिश नहीं है, और जो साइडवेज है उसमें गिरावट हो रहा है, मतलब काफी वीक साइन है। फाइनेंस सेक्टर काफी बुलिश था, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हमें गिरावट देखने मिला पिछले दिन, अभी भी फाइनेंस सेक्टर काफी स्ट्रांग है, आईटी सेक्टर काफी स्ट्रांग है, और यहाँ पर ऑटो सेक्टर तो पहले से वीक है। देखते हैं हम हमेशा ये लोअर हाई बना था, इस बार जो यहाँ पर हाई बना है ये पहले के हाई के इक्वल है, तो यहाँ पर हो सकता है ये रिवर्सल का साइन दे रहा हो ऑटो सेक्टर, यहाँ से ये बुलिश हो सकता है। फिर निफ्टी मेटल, ये भी साइडवेज है और साइडवेज में काफी मतलब वीकनेस देखने मिला पिछले दिन। फिर एनर्जी सेक्टर, ये काफी स्ट्रांग रूप से बुलिश है और यहाँ बहुत बड़ा कैंडल देखने मिला हमें रेड कैंडल। फिर मीडिया सेक्टर, ये भी काफी स्ट्रांग रूप से बुलिश है और यहाँ पर दो बड़े बड़े रेड कैंडल देखने मिले हैं, मतलब काफी ज्यादा वीकनेस। फिर इंफ्रा सेक्टर, ये भी काफी बड़ा यहाँ पर बेरिश देखने मिला। रियल्टी सेक्टर, ये काफी स्ट्रांग देखने मिला है पिछले कई दिनों से, पहले भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था इधर से ही रियल्टी सेक्टर जब रैली किया था, तो रियल्टी सेक्टर अभी काफी स्ट्रांग है, लेकिन अभी भी पिछले 10 सालों से तुलना करें तो काफी मतलब नीचे के लेवल पे है। फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, ये भी काफी वीक है लेकिन पिछले कई दिनों से ये बुलिश देखने मिला था। तो अभी ज्यादातर सेक्टर जो आपके एफएमसीजी हो गए, आईटी हो छोड़ करके, ज्यादातर सेक्टर जो है साइडवेज है या तो बेयरिश है। कमोडिटी, ये भी देखिए यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। फिर यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक, तो ये तो काफी बेयरिश है। फिर ये जो कंज्यूमर गुड्स है ये काफी स्ट्रांग रूप से बुलिश है, देखते हैं कि जो कंज्यूमर सेक्टर है काफी स्ट्रांग रूप से बुलिश है। फिर यूटिलिटी सेक्टर, ये भी उतना बुलिश नहीं है, यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम बनाया था गिरावट के बाद, फिर थोड़ा सा यहाँ पर हाइयर हाई बनाया, लेकिन यहाँ पर फिर से गिरावट देखने मिला और पिछले कई एक सप्ताह से गिरावट ही देखने मिल रहा है। टेलीकॉम सेक्टर काफी जबरदस्त रूप से बुलिश है, क्योंकि इसका कारण है भारतीय एयरटेल में काफी जबरदस्त तेजी है, तो टेलीकॉम सेक्टर में भी काफी जबरदस्त तेजी, आईटी में और उसके बाद जो उसमें भी तेजी देखने मिला था, लेकिन पिछले कई दिनों से एफएमसी सेक्टर में भी गिरावट देखने मिला है। पावर सेक्टर, ये भी काफी जबरदस्त बुलिश था, लेकिन एक सप्ताह से इसमें भी गिरावट है। फिर ऑयल गैस पे भी गिरावट, एनर्जी सेक्टर काफी स्ट्रांग है, बेस मटेरियल भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। अब देखिए कुछ बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो जैसे आप निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं तो निफ्टी बीच को बाय कर सकते हैं, एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है, सेफ ट्रेडिंग है, आप ट्रेडिंग करते हैं तो जैसे इस रेंज को ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि निफ्टी 50 हमारा क्या क्या एक रेंज बनाया, जैसे निफ्टी 50 यहाँ पर रेंज बनाया, यहाँ पर देखते हैं निफ्टी 50 तो निफ्टी बीच भी यहाँ पर रेंज बनाया, जैसे इस रेंज को ब्रेक किया ऊपर की ओर, यहाँ पर आप सेफ ट्रेडिंग के लिए या सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए निफ्टी बीच को बाय कर सकते थे। इस लेवल पर बाय करते 170, अभी 192, तो 20 रुपीज का यहाँ पर रिटर्न मिलता है एक ETF पे। अगर इस तरह से 1000 ETF बाय करते तो आपको 20,000 से अबव का प्रॉफिट होता, तो काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है और काफी जबरदस्त यहाँ पर रिटर्न आपको मिलेगा। उसके बाद जूनियर बीज है, आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को फॉलो करते हैं। ये जूनियर बीज मतलब निफ्टी का जूनियर है, जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं। ये भी यहाँ पर साइडवेज था, ब्रेक किया, आप इसको बाय कर सकते थे। फिर बैंक बीज बाय करते हैं अगर बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं, और अगर आप निफ्टी आईटी को फॉलो करते हैं आप आईटी बीज बाय कर सकते हैं। ये निप्पॉन इंडिया का ETF है, आप दूसरे के भी ETF जैसे ICICI का ETF बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी काफी जबरदस्त यहाँ पर तेजी देखने में, जब जब गिरावट आया बाउंस बैक किया, तो सेफ ट्रेडिंग सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आप ETF को बाय कर सकते हैं। फिर आते हैं डाउ जोन्स पे, देखिए डाउ जोन्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है ग्लोबल मार्केट को फॉलो करने के लिए, अगर आपको
ग्लोबल मार्केट को एकदम शॉर्ट में फॉलो करना है। ऐसे आप दो चार प्रमुख इंडेक्स को, जैसे यूरोपियन एक प्रमुख इंडेक्स को ले लेते हैं, एक ब्राजील इंडेक्स को ले लीजिए, एक डाउ जोन्स ले लीजिए, एक चाइना का इंडेक्स ले लीजिए और रशिया का ले लीजिए, तब पूरे ग्लोबल मार्केट को आप अच्छे तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये सपोर्ट लाइन है। जब तक इस सपोर्ट लाइन के हम नीचे नहीं आ जाते, मतलब डाउ जोन्स नीचे नहीं आ जाता, तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। पिछले दिन भी बात किया था, मतलब पिछले सप्ताह यहाँ पर तो आया सपोर्ट के पास, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूप से रिजेक्शन देखने मिला, मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा बायर हैं और यहाँ पर मार्केट फिर से बायर जो है मार्केट को ऊपर ले गया। लेकिन डाउ जोन्स ओवरऑल देखिए यहाँ पर साइडवेज में है, देखते हैं इस तरह से साइडवेज। अब ये तो साइडवेज में लोअर हाई बनाने शुरू कर दिया है, अगर यहाँ पर लोअर हाई बनाता है तो हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हाई बनाया था इस हाई को सिर्फ एक बार यहाँ पर ब्रेक किया है, उसके बाद हमेशा ये जो है लोअर हाई बनाया है। तो जब यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो स्ट्रांग रूप से हम बेरिश होंगे, और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हो सकता है हम ये दूसरा जो नीचे का सपोर्ट है यहाँ तक आ सकता है, या फिर हम यहाँ पर इस सपोर्ट के पास आ सकते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है इस सपोर्ट का, तो सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है। जब तक हम सपोर्ट के नीचे नहीं आ जाते हैं तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते। तो ग्लोबल मार्केट को फॉलो करना है शॉर्ट में तो आप डाउ जोन्स को फॉलो कर सकते हैं। फिर आता है यूएसडी आईएनआर, तो यूएसडी आईएनआर अगर इस ट्रेंड लाइन को यूएसडी आईएनआर यहाँ पर ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पर मतलब बुलिश होंगे। जो यूएसडी आईएनआर है तो यहाँ पर डॉलर जो है काफी स्ट्रांग हो जाएगा जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं। फिलहाल ये एक साइडवेज रेंज में है, मतलब नीचे का ये ट्रेंड लाइन है और ऊपर का ये ट्रेंड है, इसके बीच में है। जब तक हम किसी डायरेक्शन में ब्रेक नहीं करते हैं, ऐसे यहाँ जो प्राइस पैटर्न बन रहा है, मतलब जो प्राइस एक्शन यहाँ पर बन रहा है उसके अनुसार लग रहा है डॉलर अभी काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो यहाँ से अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि 73.40 रुपीज को ब्रेक करता था, हम बेरिश हो जाएंगे, और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे, मतलब डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन भी देखिए अभी हम इसको ना तो बेरिश करते हैं ना बुलिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम 29,000 ये डॉलर में है, 29,000 डॉलर को ब्रेक नहीं कर देते हैं तब तक हम बेरिश नहीं होंगे बिटकॉइन में। और यहाँ पर जो अभी फिलहाल का प्राइस एक्शन बना है ये एक जबरदस्त रैली था, 29,000 से लेकर के यहाँ पर 52,900, तो एक जबरदस्त रैली के बाद ये समझिए एक करेक्शन है, और ये करेक्शन कितना लंबा चलता है ये देखना है। अगर हम फिर 30,000 के नीचे चल जाते हैं तो काफी जबरदस्त रूप से बिटकॉइन क्रैश हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो गिरावट है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, हो सकता है यहाँ से मतलब थोड़ा सा ये साइडवेज दिखाए फिर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करे जो कि 52,900, तो स्ट्रॉन्ग रूप से तेजी देखने मिलेगा आपको बिटकॉइन में। अब देखिए गोल्ड, गोल्ड भी 45,995 इसके आसपास है जो कि सपोर्ट रीजन है। इस सपोर्ट रीजन को ब्रेक करता है तो गोल्ड में भी जबरदस्त गिरावट देखने मिलेगा। अगर गोल्ड भी यहाँ तेजी देखने मिलता है तो देखिए इक्विटी और गोल्ड दोनों उल्टा है। अभी स्टॉक मार्केट नया हाई बना रहा है तो गोल्ड में आप करेक्शन देखने मिला है, जैसे गोल्ड हाई बनाना चालू करेगा गोल्ड में तेजी आएगा, कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में समझिए गिरावट आएगा। जब स्टॉक मार्केट में जो से इन्वेस्टर है उसको कोई डाउट दिखता है तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तब वहाँ गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा बाइंग आता है तो गोल्ड में तेजी देखने मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही सीनेरियो आए, लेकिन ज़्यादातर देखने मिलता है जैसे हम पैंडेमिक में गिरावट में डाउ जोन्स काफ़ी क्रेश हुआ था, गोल्ड एक नया हाई बना रहा था। तो हम जस्ट यहाँ प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन को ब्रेक कर देता है गोल्ड तो फिर हम यहाँ पर आराम से जो है जो 50,000 तक गोल्ड जा सकता है आराम से। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है सपोर्ट करता है तो गिरावट देखने मिल सकता है जबरदस्त, चूंकि इसको लेकर आ सकता है 44,000 तक। आप गोल्ड के लिए गोल्ड बीज को बाय कर सकते हैं, गोल्ड बीज अब देखिए मात्र 40 रुपीज के आसपास मिल रहा है और ये हाई लगाया था 49 रुपीज का, तो मात्र 40 रुपीज में गोल्ड बीज को बाय कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है जिसमें कोई फिजिकल गोल्ड नहीं होगा, आपका कभी भी इसमें कोई भी हेयर कट नहीं होगा, मतलब कोई भी परसेंटेज नहीं कटने वाला, आराम से आप जितना चाहें उतना दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। फिर क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल ने देखिए एक नया हाई बना रहा है, क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने मिला है, और देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल नया हाई बना रहा है, अभी है 5,467 पे और लगातार यहाँ पर तेजी देखने मिला है, और जैसे ये ऊपर के रेजिस्टेंस 5,731 को क्रॉस करता है जबरदस्त रूप से हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे इसमें। तो ये ओवरऑल था मार्केट का सेंटिमेंट इस वीक कैसा रहा है और आने वाले समय में किस तरह हो सकता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस, मतलब प्राइस एक्शन के आधार पर। देखिए न्यूज के कारण
मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने प्राइस एक्शन के आधार पर बताया, यहाँ जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके आधार पर मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। मैं आपको भी प्राइस एक्शन सिखाने का कोशिश करता हूँ, आप प्राइस एक्शन को फॉलो करें, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन प्रॉफिट आपको बनेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।